अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं खीमा विद चना दाल। चना दाल को हमने भिगो कर रख लिया है, थोड़ी सी बॉईल के करके हमने रख लिया है। ये मीडियम साइज के प्याज, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, एक मीडियम साइज का टमाटर हमने बारीक काट ली है, थोड़ी सी खतमी और दो हरी मिर्च, आधा टेबलस्पून नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी और कुकिंग ऑयल। कुकर में हम 1 खाने का चम्मच तेल डालेंगे, अच्छे से गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। थोड़ी गोल्डन होने तक हम उसको भूनेंगे। प्याज हमारी हल्की गोल्डन हो चुकी है, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें खीमा डालेंगे, उसके साथ ही डालेंगे नमक। हमने खीमे को अच्छे से भून लिया है, अब डालेंगे हम धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, टमाटो, इन सब को अच्छे से और एक बार भूनेंगे हम। टमाटर गलने तक भून देंगे। खीमा हमारा तेल छोड़ने लगा है, अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और 3 विजिल्स पर लगाएंगे हम। हमने खीमे को 3 विजिल दे दिया है, हमारा खीमा गल चुका है, अब इसमें हम चना दाल डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर 1/2 कप पानी डालेंगे हम 1 विजिल के लिए, फिर लगाएंगे। 1 विजिल ले दिया है हमने, अब प्रेशर को हमने खोल लिया है, अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को थोड़ा हाथों से रगड़ेंगे हम, बस थोड़ा हल्का सा। गरम मसाला, इन सब को डालने के बाद हम 5 मिनट पकाएंगे ताकि इसमें इसकी खुशबू रस बस जाए। मेथी हरी मेथी बहुत टेस्ट रहेगी। खीमा अभी चना दाल पक चुका है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, अगली रेसिपी तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।